नमस्कार बिग ब्रेकिंग न्यूज को स्वागत करुछे मो शक्ति। जो भली भाव में पुणी थरे राज्य क्राइम ब्रांच रो पारिबा पणिया उपरे छिड़ा होइछि बड़ प्रश्नवाची। अंधार रे बाड़ी बुलाउछि पुलिस, दुई वर्ष बीती गलाणी। आमे कहुछु बालेश्वर सोरर दुई नाबालिकांकर संदेहजनक मृत्यु घटना। दुई वर्ष तले घटना घटीथिला। संदेहजनक अवस्था रे दुई दशम श्रेणी छात्रींकर मृत्यु हला। पुलिस प्रथमे तदंत कला एवं परवर्ती समय रे क्राइम ब्रांच को मामला हस्तांतर करा जायतला। दुई वर्ष घटना को बीती गला किंतु आज पर्यंत ए दुई छात्रींकर मृत्युर रहस्य कण ता उन्मोचन करि पारु नाही क्राइम ब्रांच। मृत्युर कारण पर्यंत पहुंची पारु नाही। तदंत एबे भी चालिछि। दुई वर्ष बीती गला ए घटना को याकु नै कि संपृक्त छात्रीर बापा जी कि आमर कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम उत्तरदायी रे ए कथा ए प्रसंग उठाई थिले जे किभली भाव रे पुलिस एवं क्राइम ब्रांच न्याय दे पारुनी गोटे परिवार को। बारंबार एभली घटना घटुछि सारा राज्य रु विभिन्न समय अभियोग आसुछि कोटी थाना रु न्याय पाई पारु नहंती पीड़ितांका परिवार तो केउठी क्राइम ब्रांच एठी तार तदंत रे कोनोसी निष्कर्ष रे पहुंची पारु नाही। किभली भाव रे न्याय न पाइबा जोगु थाना रु बारंबार आत्मदाह करुछंती। विधानसभा आगरे सचिवालय आगरे घटना बढ़ुछि एवं एठी एभली एक घटना सामना को आसुची जोठी कि पुलिस एवं क्राइम ब्रांच संपूर्ण विफल होती गोटे परिवार को न्याय देवारे। दुई जन छात्री जे कि ट्यूशन हवा को जाइले एवं ट्यूशन पर राति सांग घरे रही आउ गोटे सांग एवं सका संदेहजनक अवस्था दुई जन मृतदेह मिलला। परिवार लोके एक कथा को विश्वास कर पार ना जे से कौन सी आत्महत्या करेंगे कहगला विषक्रिया जो से मृत्यु है किंतु परिवार लोके घटना को ग्रहण करी कारण पारिपार्श्विक परिस्थिति से भली किछि थिला जहाँ को कि कहीं भी स्वीकार करेनि यह एक आत्महत्या घटना बोली। तो यह घटना आज पर्यंत रहस्य उन्मोचन करना क्राइम ब्रांच कोई रही जा समस्या घटना आउ थे आपण को संक्षेप कह चाहिए ये हूँ बालेश्वर सोरर तेंटेई गाँवर घटना। वीरेन्द्र दास झील लक्ष्मी प्रिया जे कि स्थानीय बीके हाईस्कल दशम श्रेणी में पाठ पढ़ुते वीरेन्द्र आउर पु बाहर रही गोटे कंपानी रे काम करती माँ अनिता सहित रोते झील लक्ष्मी प्रिया घर ठारु तीन किलोमीटर दूर बीरीपड़ा गाँव मायाधर दास झी प्रियंका से समान स्कूल पढ़ुते दुईज सहपाठी थे दुईज सांग थे सप्ताह तीन दिन संस्कृत ट्यूशन जाऊ राति घर को फेरी नपारी बांधवी प्रियंका घरे राति अधिकांश समय रोते लक्ष्मी प्रिया किंतु 10 अगस्त 2018 राति जोदिन कि प्रियंका घरे रही थे लक्ष्मी प्रिया किंतु पर दिन स्कूल रे परीक्षा थिबारु प्रियंका और लक्ष्मी प्रिया राति 10टा पर्यंत एकाठी पाठ पढ़ी किंतु ता पर दिन सका संदेहजनक अवस्था अस्वाभाविक अवस्था से मानकर मृतदेह उद्धार करागला। सेबे ठारु पुलिस एवं पुलिस पर क्राइम ब्रांच तदंत करुछंती एजाए फल सुन ए प्रसंग को संपृक्त झील लक्ष्मी प्रियार परिवार अभियोग आनी आमर साप्ताहिक कार्यक्रम उत्तरदायी एवं किभली भाव रे एटी पुलिस एवं क्राइम ब्रांच गोटे परिवार को न्याय देवारे विफल होती से प्रसंग उठाई थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहला विषक्रियारु से मानकर मृत्यु होई तेरे प्रश्न उठू से माने निजे विष पी थे ना विष दि जाइला किंतु पारिपार्श्विक परिस्थिति जो भाई अवस्था से मानकर मृतदेह मिलता से माने विष निजे पी आत्महत्या करथिवार कोनोसी सेठी चिन्ह नवा कोनोसी संकेत नथिला एवं ए प्रश्न उठू दुई छात्री काहेकि जदि विष पीले काहेकि विष पीले जदि आत्महत्या कले काहेकि आत्महत्या कले कौन ता पछर रहस्य एटी कहार भूमिका आसुची ए कोनोसी दिग को आज पर्यंत छुई पार्ला नहीं ना क्राइम ब्रांच ना पुलिस। फोनलाइन जोड़ी होती आम स्वर प्रतिनिधि संजय महालिक। संजय ये पूरा घटना रे पुलिस दुई वर्ष बीती गला पुलिस कौन कहूँ क्राइम ब्रांच कौन कहूँ कौटी अटकी वर्तमान पर्यंत क्राइम ब्रांच रो तदंत परिवार लोके कौन अभियोग आणुछंती
ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ 2 ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି 10ମ ଶ୍ରେଣୀର, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପରଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିପାରି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ସୋର ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସୋର ପୋଲିସର ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରୀ ଥିଲା ତାହା ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଯାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୌଣସି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କ'ଣ ରହିଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ 2 ଯୋଉ ବାଳିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାହା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଯୋଉ ନାବାଳିକାଙ୍କର ବାପା ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେଦିନ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ। 2018 ମସିହାର କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା 11 ତାରିଖ, ଆମ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଏ ତେଣ୍ଟେଇ, ଧନଞ୍ଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହି ସେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲା ଶିକ୍ଷକ, ସେ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଧନଞ୍ଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହି। ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଏ 4ଟା ବେଳେ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି 4ଟା ବେଳେ ଆମ ଘରୁ ଯାଏ, ଯାଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ, 7:30ଟାରେ ଆଜ୍ଞା ଓଭର ହୁଏ ଟ୍ୟୁସନ୍। ସେ ଧନଞ୍ଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ରହୁନଥିଲି ସେତେବେଳେ, ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲା, ମାଏ ଧର ଝିଅ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, 7:30ଟା ବେଳେ ଓଭର ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍, ଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲାସ୍, ସେ ଯେ 7:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ, ଝିଅ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସପ୍ତାହର 2 ଦିନ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିଯାଉ। ମୁଁ କହିଲି, ଧନଞ୍ଜୟ ତୁ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଗରୁ, ଆଉ ଯଦି କହୁଛୁ ତୋ ଘରେ ଝିଅ ରହିଯିବ ବୋଲି ମୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ, 2 ଦିନ ରହିଯିବ ଆଉ ସପ୍ତାହର ଆଉ। ମୁଁ ତାରି ବିଶ୍ୱାସର ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ଯାଇଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ 2 ମାସ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ, ତାରି ଘରେ 2 ସପ୍ତାହ ରହିଯାଏ। ମୁଁ ତାପରେ ଶୁଣିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମ ଝିଅ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବି, ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ତାଙ୍କ ଘର, ଆମ ଝିଅର ସାଙ୍ଗ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କହିଲା, ମୁଁ ତାରି ପାଖରେ ସାର୍ ଯାଇକି ଶୋଇଯିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବି, ସେ ଯାଇକି ଶୋଇ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଝିଅ ସେଇ ଝିଅ ଘର ପାଖରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11/8/2018 ମସିହା ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଯାଇକି ଶୋଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ, ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆମ ଘରକୁ ଖବର ଆସିଲା, ତମ ଘର ଝିଅର କ'ଣ ହେଉଛି ତମେ ଆସିକି ଦେଖ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ 2 ଜଣ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର, ସେଇ ବିଛଣାରେ ଗୋଟେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ଝିଅ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ଯେ ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଛଣାରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ବି ଅଡ଼ୁଆ ଫଡ଼ୁଆ ହେଇନି କି ତାଙ୍କର ମୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ହେଇନାହିଁ, ଯେମିତି ସିମ୍ପୁଲ ଭାବରେ ଶୋଇବା କଥା ଭଲ ପିଲା ଭଳି ସେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ କହୁଛି ଏ ଘଟଣାରେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ତଦନ୍ତ କଲା, କ'ଣ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲିଣି, ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ସେ ବିଷୟରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ମୋତେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ନା ମୁଁ ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ କ'ଣ ହେବ, ତମେ ସେ ତମ ଥାନାରୁ ଯାଇକି ବୁଝ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ସାର୍ ଓଆଇସିକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଆମ କତିକି କିଛି ଖବର ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ କି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଇଏ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର, ଥାନା ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛି, ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲିଣି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ତ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକେ, ତ କ'ଣ 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ତା ଏବେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କଟକରୁ। ଶ୍ରୀତ ଚୌଧୁରୀ, ପୁରା ଘଟଣା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବାପାଙ୍କର ବୟାନ, ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ବାପା ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ତାଠୁ ବଳିଗଲା ଏଠି ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର, ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ପୋଲିସ ପାରିଲାନି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଗଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଲା ସେ ତଦନ୍ତରେ ବାହାରିଲା ନିର୍ଯାସ, ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ ପରିବାରକୁ, ତ ଇଏ
तदंत ए प्रसंग आपणकर कौन रही मत ये किभली भाव में तदंत देखु तदंतर आरंभ जी आप देखिए से शिथिलता हिं तदंतर कौन सी गति नाला कहीं जितेबाला दुईटा छुआ को शोथ्वा अवस्था मृत्यु जहाँ आप कहले सन्देह आसूची कौन सी प्रकार पॉइजन द्वारा मृत्यु हो ना यहीटा हूँ 2018 मसीहा अगस्त मसर कथा मानवर सुप्रीम कोर्ट 21 जनवरी 2014 ने गोटे निर्देशनामा जारी करते जो थे कि स्पष्ट भाव में उल्लेख था कौन सी पॉइजनस केस हो किंबा कोल्ड ब्लडेड डेथ हो एथरे भिसेरा टेस्ट कराजबार प्रासंगिकता अच्छी भेरी इंपोर्टेंट इट इज मैंडेटरी यदि मैंडेटरी तेल वेदर ओडिशा जो पुलिस आपणकर इन्वेस्टिगेशन करुथले से तार भिसेरा टेस्ट पे पठेइथिले कि एक द्वितीयतः जो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कला आर भिसेरा टेस्ट करछि कि यदि भिसेरा टेस्ट हेइथांता ता भितर इनफॉर्मेशन आम पाइथांते कि भरिया डेथ हेइछि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भीतर भिसेरा टेस्ट ताको एंटर देखो मत कहीं लगुच पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन दूरे आम जो आलोचना करूँ एर्लीयर देखो 70-80% केस जो पाकु पुलिस पाक आसे पुलिस फेरई दिए ये एफआईआर रजिस्ट्री हुए ना आपर ललिता कुमारी भर्सेस यूपी केस पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन आसला एनी इनफर्मेसन आसो आप एफआईआर ना बाध्य ड्यूटी बाउंड अदरवैज कंट्रावेनसन अर्थात आपण केस हम दरकार पड़े सो ये समस्त प्रक्रिया थी भी कौटना कौटि पुलिस थाना एफआईआर नवा को राजी ना एवं राज्य सरकार गोटे मनस्थ करदे आम कौन प्रकार इन्वेस्टिगेशन विंग की सेपरेट करूँ ना सो ये जो गोलिया परिस्थिति सृष्टि आ द्वारा साधारण लोक पाखे न्याय व्यवस्था संपूर्ण भाव में पहुँची पार ना एवं लोक मैंने मौलिक अधिकार अच्छी वंचित होती फंडामेंटल राइट घोर वायलेशन आप देखिए जो तदंतटा मूल आरंभ हो यदि ठीक रास्तार जाता ठीक बाटर जाता कौन होटलिस्ट आम अंधार आरंभ हम तदंत बाट बनाए क्या कहते मुझ संजय जावाक चाहिए एवं जी पीड़िता छात्री प्रियंकर बापा सहित अच्छा संजय भिसेरा रिपोर्ट आसी कि भिसेरा रिपोर्ट संपर्क में पुलिस व क्राइम ब्रांच किसी सूचना दे निश्चित भाव सत्य साई देखु शक्ति साई जो घटना जो मृत्यु घटना घटी तार किछि दिन परे जो शव व्यवच्छेद पुलिस दुई नाबालिका को लेकिन जाइए दीर्घ दिन बीतला से शव व्यवच्छेद रिपोर्ट आसी जहाँ सूचना रही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या भिसेरा टेस्ट भिसेरा रिपोर्ट आसी आज्ञा 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 भिसेरा रिपोर्ट तो वर्तमान पर्यंत आमर आम सूचना को लेकिन जितेबाला सोर थाना जे आई आई सी रही आम जोजोग करूँ य घटना को नहीं तेज से आमको कही घटनाटी पुराणा घटना ये घटना जे आई आई सी थे से जे अधिकारी थे सी वर्तमान बदली तेज ए घटना बहुत पुराणा हो सारी जो आमको सी ए संबंध में कौन सी सूचना दे नसबी समय कम अच्छी सीता चौधरी संक्षेप रिएक्शन चाहिए पुलिस अधिकारी बदली जी ताबली कौन मामलार तदंत से बंद हो क्राइम ब्रांच जे तदंतकारी अधिकारी सी कहते पीड़ितार बापा जे मोर मु रिटायर्ड करी मुझ जाननी एवं तुम्हें किसी पाइबनी थाना को जा पचार थाना कौच से घटना पुराणा है सी अलग अफिसर थे सी बदली हो गले मुझ जाननी से घटना संपर्क में ये हूँ पुलिस व्यवस्था ये हूँ थानार व्यवस्था नहीं मत ये कथा शुणी मन भितर लगुच सत जमी एंटायर प्रोसेसटा ही भुशुड़ी पड़ी यदि ये कथा जो आप प्रतिनिधि की पुलिस कही एगेनेस्ट आज से थाना एफआईआर दिखाँ कहीं जन आईओ को निजुक्ति करा जाए आज से सामान्य नॉलेज थी कथा जो एफआईआर पर कनसर्न थाना अधिकारी जन आईओ बा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कही था तुम इन्वेस्टिगेशन कर एवं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टा आईओ सहित डिस्कशन करके फाइनल कराए चार्जसीट दाखल कराए किए रिटायर्ड कर गले कथा ना रिटायर आज्ञा पुलिस अच्छा तीन वर्ष पर प्रोसीजर हूँ बदलवा रिटायर्ड हे बदली हम कि तदंत अटकबन कि रिटायर्ड हवा सहित बदली हवा सहित तदंत भी बाट बणा हो गला पुलिस पाखे कौन इनफर्मेसन रोनी ये हूँ न्याय व्यवस्था ये हूँ आईन ता बाटे जा राज्य में ये हूँ तार सब बड़ प्रमाण एवं क्राइम ब्रांच पारिपणिया आउ एक बड़ प्रश्नवाची लगाई सोरर यह घटना बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए सीत चौधरी प्रसंग आम सहित जोड़ी होती संजय बहुत बहुत धन्यवाद समय बिग ब्रेकिंग न्यूज को ये रखा नमस्कार।